गुड मॉर्निंग। कल आपको मैंने ये फूल बताया था शेडिंग वाला, आज इसमें मैं कलर करना बता रहा हूँ। कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए, वो ध्यान रखेंगे। आपने शेडिंग भी देखा, बिना शेडिंग वाला भी देख रहा है। शेडिंग का मतलब है वहाँ कलर को डार्क करना है, और जहाँ बिल्कुल हमने पेंसिल नहीं चलाई है वो हमें लाइट रखना है। इस पर आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैंने कलर ले रहा हूँ लाइट कलर्स का, और लाइट कलर्स बिल्कुल मतलब देखिए पिंक कलर का, क्योंकि गुलाब बना रहा है तो गुलाब में गुलाबी ही रंग होना चाहिए इसमें, तो मैं गुलाबी रंग भर रहा हूँ। और जैसे पहले भी बताया था, कई वीडियो में मैंने बताया था कि हम जहाँ डार्क कलर करते हैं तो उसके लिए ब्रश दूसरा ले लेते हैं हम, तो दूसरा बॉर्डर लेकर देखो ये हमने डार्क कलर ले लिया है। तो इस तरह से मैंने साइड जो जहाँ जहाँ डार्क कलर किया हुआ है वहाँ डार्क कर लिया है। इसको मिक्स भी करेंगे साथ साथ, मिक्स का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से ये मैं कर रहा हूँ, देखो इसको डार्क कलर से पहले मैंने लगा दिया है ये, तो डार्क डार्क पहले कलर लगा लिया मैंने, जहाँ जहाँ पेंसिल कर रखी है शेडिंग सी वो मैंने डार्क कर दिया है। लाइट करने के लिए देखो लाइट कलर ले लिया है मैंने, ब्रश दूसरा ले लिया है। हम बार बार ब्रश धोने का समय वेस्ट करते हैं, तो बेहतर है कि हम एक बार ही कलर और के जो है अलग अलग शेड्स हम बना लें। अब देखिए तीन चार शेड हमारी यहाँ पर तैयार है। जब इसकी आउटलाइन हम करके आएंगे पोस्टर कलर्स में, तब आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा ये, क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो एकदम तो अच्छी लगती नहीं है, तो हमें बड़े धैर्य रखना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले पेंटिंग बनाते हैं, बीच में खराब सी लगने लगती है तो पहले हिम्मत तोड़ देते हैं और पेंटिंग को नहीं सर खराब बन गया मैं फाड़ दी। तो मैं अक्सर बच्चों को क्लास में देखा करता हूँ, तो मैंने कहा भैया एक बार दिखा तो लो, जब आपने दिखा ही नहीं और पहले अपने डिसीजन कर ले पेंटिंग खराब हो गई, क्योंकि हर जगह कमियों में भी बेटा कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है। और मेरा ये काम रहता है जहाँ आपका प्लस पॉइंट है उसी को आगे बढ़ाना है, ना कि जो तुम्हारी गलतियां हैं उनको इग्नोर करना। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से मैं करता जा रहा हूँ, और जो ये लाइन हम मैं कर रहा हूँ रेड कलर की आप देख रहे होंगे, तो रेड कलर की जहाँ जहाँ अपने पेंसिल से ड्राइंग कर रखी है तो उसी कलर से। बच्चे क्या करते हैं ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक स्केच से बचें, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ चुके हैं और बड़ी क्लास वालों बच्चों को तो ब्लैक स्केच ब्लैक कलर तक यहाँ तक की आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कलर नहीं लगाना चाहिए ब्लैक भी। ब्लैक भी अगर करना आपको लगता है तो जो हम कलर करते हैं जिस कलर की आउटलाइन हमें करनी होती है तो उसी कलर में तो थोड़ा ब्लैक की मात्रा ले सकते हैं, क्योंकि उसकी कलर की और डार्क टोन बनानी है। तो देखिए इस तरह से ही बनता जा रहा है आपके सामने चित्र ये। कल ये मैं कैसे कर रहा हूँ वही तरीका मैंने बताया, जहां जहां शेडिंग हमने कर रखी है उसको हमने डार्क कलर कर दिया है। और बीच में ही हमें लाइट कलर्स करना है। लाइट का मतलब है इसमें व्हाइट की मात्रा बढ़ा दी है। तो ये देखो आप तो प्यारे बच्चों, अब मैं ये पत्तियां बता रहा हूं, पत्ती में भी देखो दो साइड्स होती हैं, एक पे लाइट कर दिया मैंने और दूसरी साइड में क्या करूंगा थोड़ा सा मैं लाइट कर दूंगा। लाइट का मतलब ये नहीं है कि इसमें व्हाइट मिला ले, इसमें थोड़ा येलो की मात्रा बढ़ेगी इस बार में। इसमें देखो कितना सिंपल है करना, और ये जो बारीक काम है वो अब मैंने एक तरफ को जैसी बनाया दूसरी तरफ येलो कर दिया। लाइट और डार्क बहुत हम बारीक ब्रश से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे ओकर येलो है, और इसके बाद जो आपकी ये टहनी है
इसमें ब्राउन या इसमें हमने इसी में ऑरेंज ले लिया है इन्हीं ग्रीन में, तो हमने ये कर दिया। बारीक ब्रश से जैसे बता रखा है कि बारीक ब्रश का काम भी बहुत जरूरी है, तो बारीक ब्रश भी हमें करना है। तो बारीक ब्रश के लिए हम के बारीक ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और बारीक बारीक काम करेंगे, जैसे इसके नसें हैं, ये जो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ है, वो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं, ये सब उस सब बारीक ब्रश से हम करते हैं। इसके बाद हमें इसकी बैकग्राउंड करना है, बैकग्राउंड के बाद आउटलाइन करनी है। बैकग्राउंड मैंने बताया तो बाहर से डार्क कर दिया मैंने, और चित्र के पास आते आते मैं लाइट कर दूंगा इसको। तो इस तरह से मैं पूरा कर रहा हूँ, और इसी तरह से आपको चित्र करना है पूरा। प्यारे बच्चों, ये चित्र आपके साथ बनकर तैयार है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे काम भी करेंगे, और क्लास में इसका मैं कंप्लीट होकर चित्र आपको मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में किस तरह से किया, बाहर से डार्क किया, नीचे की लाइट होता है, ये आप देखेंगे। थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब आप काम करते हैं ना, आप किसी काम को टफ माना मत करो, हम मानने के बाद क्या होता है, वो चीज़ और टफ हो जाती है। हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखें और कर लें पूरा। बस इसी के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।